इसरो ने रचा नया कीर्तिमान, 36 सैटेलाइट के साथ सबसे भारी रॉकेट LMV3 किया लॉन्च। वन वेब ग्रुप कंपनी इसरो ने इतिहास रच दिया है, सबसे भारी रॉकेट LMV3 लॉन्च कर दिया गया है। रॉकेट LMV3 ने ब्रिटेन की कंपनी के 36 ब्रॉडबैंड सैटेलाइट लेकर उड़ान भरी। बेहतर कनेक्टिविटी ही इसरो का लक्ष्य है। इसरो ने आज अपनी सबसे भारी रॉकेट LMV3 लॉन्च किया। आंध्र प्रदेश के श्रीहरिकोटा से ब्रिटेन की कंपनी वेनवेब के 36 ब्रॉडबैंड सैटेलाइट लेकर रॉकेट ने उड़ान भरी। इसरो का लक्ष्य दुनिया को बेहतर कनेक्टिविटी देने का है। बता दें कि ब्रिटेन की नेटवर्क एक्सप्रेस एसोसिएट लिमिटेड वेनवेब ग्रुप कंपनी ने पृथ्वी की निचली कक्षा में 72 उपग्रहों को स्थापित करने के लिए इसरो का कमर्शियल ब्रांच न्यू स्पेस इंडिया लिमिटेड से एक डील की है। रॉकेट की है इतनी क्षमता। बता दें कि इसरो ने इस मिशन को LMV3 वेनवेब इंडिया 2 मिशन नाम दिया है। इसरो के इस रॉकेट की क्षमता लो अर्थ ऑर्बिट में 10 टन और जियो ट्रांसफर ऑर्बिट में 4 टन है। LMV3 का लगातार 5वां सफल मिशन है, इसमें चंद्रयान 2 मिशन भी शामिल है। ब्यूरो रिपोर्ट, शुराब लाइव। जी हां, सफलतापूर्ण उत्थापन LVM3 M3 प्रमोचन यान का आकाश में गर्जना करता हुआ यह सबसे भारी रॉकेट है इसरो का। फर्स्ट स्टेज परफॉर्मेंस नॉर्मल। Here from the Mission Control Center, we can feel the vibrations of the launch. दोनों S-200 boosters सामान्य निष्पादन करते हुए और यान अपने उद्दिष्ट कक्षा की ओर। Sharon is in Minato. 5,952 kilonewtons in vacuum. S-200 motors thrusting currently. S-200 मोटर जो कि ठोस नोदक पर आधारित चरण है, इसका एक मोटर का प्रणोदक करीब 200 टन का होता है। इस दौरान यह कुल 12,000 किलो न्यूटन का प्रणोद उत्पन्न कर इस यान को लिफ्ट ऑफ प्रदान करता है और यह करीब 136 सेकेंड्स तक चलकर यान से पृथक कर दिया जाएगा। The trajectory during the atmospheric regime is to have least angle of attack with respect to wind.